सो कोलकाता आपके सामने पहुंच गए बिल्कुल शिप के पास। पीछे देखते रहो, ये देखिए बस इसी में भर भर के डॉलर लाएंगे अब तो। इसी में भर के कंटेनर भेजने हैं। सामने देखिए शिप के साथ बिल्कुल डॉक यार्ड पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। आपका कंटेनर भी ऐसे ही लोड होगा। अब यहाँ पे हम उतरेंगे और यहाँ पे एक एक स्टेप फिर से सीखेंगे, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलिए चलिए आइए आइए आइए। अरे कुछ नहीं 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 मैं बोलने वाला था, पीछे हटेगा आप। कोई बात नहीं। मैंने वीडियो में देखा था। बस ज्यादा दूर नहीं, इधर इधर, इससे आगे नहीं। चलिए पीछे पीछे चलिए। मोबाइल हार्बर क्रेन, ये मोबाइल हार्बर क्रेन है। इसका काम है जहाज पे माल लोड करना और जहाज से उतारना। घंटे में 20 कंटेनर, एक घंटे में 20 कंटेनर ये रख सकता है और उतार सकता है। वो देखिए सामने, तो वहां पे बैठ के ऑपरेट करने के ऊपर ऊपर देखिए, वहां से ऑपरेट हो रहा है ये सारा। देखिए कंटेनर उतरा और उसके बाद लाइव देखो सामने सारे किस तरीके से ट्रक के ऊपर लोड किया जा रहा है। देखिए अगर कंटेनर यहां पे आएगा तो इंपोर्ट ही होगा ना, यहां से जाएगा तभी एक्सपोर्ट होगा। देखिए और सबसे पहले एक चीज और नोट करिए, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में सारा काम खत्म है। स्पीड मैटर करती है हर चीज के लिए। देखो अब दूसरा ट्रक लग गया यहाँ पे। अब फिर एक कंटेनर को उठाया जाएगा और फिर इसके बाद रखा जाएगा। सो टाइम, आप बिल्कुल नियर बाय, इससे ज्यादा नियर बाय तो यही हो गया ना कि मैं शिप पे ऊपर ही चढ़ा दूं आपको। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं एक शिप में लोडिंग और अनलोडिंग का टाइमिंग, जो एक कंटेनर का है 2 से 3 मिनट एक कंटेनर में की लोडिंग और अनलोडिंग हो जाती है। वो देखो सामने देखो, ट्विस्ट लॉक है।
अगर नहीं घूम के लॉक नहीं होगा तो वो नहीं उतर पाएगा। वो मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, पुश करा कंटेनर से ऊपर तो कंटेनर